नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में बीते शुक्रवार का नज़ारा काफ़ी राहत देने वाला रहा। सद्भावना बैठक में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक दूसरे से मिलकर गिले शिकवे दूर किए। दोनों पक्षों के लोगों ने कहा, हनुमान जयंती पर हुए बवाल से पहले दोनों पक्ष इलाके में सौहार्द के साथ रह रहे थे और आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा। इस मौके पर DCP उषा रंगनानी ने कहा कि यह बैठक विश्वास बहाली का उपाय है कि सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें। हम इलाके से सुरक्षा व्यवस्था को कम कर रहे हैं। शुक्रवार को दिल्ली के जहांगीरपुरी में सद्भावना बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का उद्देश्य बीते दिनों हिंसा और आगजनी के बाद इलाके में हुई बुलडोजर कार्रवाई के बाद इलाके में तनाव कम करने को लेकर की गई थी। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार इस सद्भावना बैठक में इलाके में रह रहे हिंदू और मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग एक दूसरे से मिलकर गिले शिकवे दूर किए और हाल ही में हुई घटना पर माफ़ी मांगी। इस मौके पर उत्तर पश्चिमी जिले की DCP उषा रंगनानी ने कहा कि यह विश्वास बहाली का उपाय था। सभी एक साथ रह रहे हैं, इस देश में हिंदू मुस्लिम भाई की तरह रहते आए हैं और आगे भी रहेंगे। हम सुरक्षा व्यवस्था कम कर रहे हैं। गौरतलब है कि 16 अप्रैल को हनुमान जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान पथराव के बाद दो समुदाय के लोगों के बीच हिंसा भड़क गई थी, जिसमें एक आम नागरिक और 8 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए थे। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अब तक दोनों समुदाय के 25 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया और 2 किशोरों को भी हिरासत में लिया गया। तो दोस्तों, अब जहांगीरपुरी इलाके में पुलिस प्रशासन और सामान्य लोगों के सहयोग से सद्भावना बन रही है और गिले शिकवे दूर हो रहे हैं। इस वीडियो को देखकर आप क्या कहेंगे, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।